रात के 9 बज गए पर देखो तो सूरज सर पे ही है। बीजी मैं एक 10 मिनट में डिनर लगाती हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, पर तू जा क्या रही है? ये खाना लेके वो रोहन। रोहन का खाना लेकर जा रही थी? उस खाना खराब का? जब किसी दर्द को अपने दिल में छुपा लो ना बीजी, तो यही होता है। दिल तो दुखता है पर हाथ पांव को पता तक नहीं चलता। वो तो दर्द से बेताल्लुक अपनी आदत के मुताबिक वही किया करते हैं जो बरसों से करते आ रहे हैं। वो आदमी ही बदल गया पुत्र, तू भी अपनी आदत बदल ले। वो अगर तुझे धोखा दे सकता है तो आज अगर उसकी सगी माँ जिंदा होती ना तो उसे भी ना पछताता। बीजी मेरे हिसाब से कम पम्मी पर रोहन की हकीकत जाहिर कर देनी चाहिए, वो भी आज रात ही। बीजी अब उस आदमी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कितने चेहरों वाला है ये आदमी। खाना बंद? ओके आंटी। हेलो। हेलो कुलजीत। परजाई जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ वहां का क्या हाल है? सिमरन कैसी है? उसने अपने मन की है तो खुशी होगी। मुझे तो लगता है कुलजीत के बच्चों को उनके फैसलों की आजादी दे देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हमारे किए हुए फैसले उनके लिए सही हों। जी पर पम्मी के रिश्ते का फैसला तो आप सब लोगों ने मिलकर किया है ना? वाकई रोहन से अच्छा लड़का पम्मी को ना मिलता। कुछ ठोकरें इतनी जोर से लगती है कि आपकी हस्ती हिल जाती है और साबित हो जाता है कि आपके पिछले फलसफे गलत थे। पाजी बता रहे थे कि पम्मी की शादी इस महीने की 25 तारीख को तय हुई है। नहीं कुछ फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही फाइनल हो जाएगा मैं तुझे बताऊंगी। अब बबल्स कहाँ है कुलजीत? सीजी के साथ साइट पर गया है, कुछ काम था प्रजाई जी। नहीं उसका एक दोस्त है देव, वो जो सिमरन की शादी पे वीडियो खींच रहा था। तू जानती है उसको कैसा लड़का है? लड़का तो अच्छा है, क्यों? नहीं हमारे यहाँ एक लड़के की बात चलानी थी ना, तो पता करके बताती है कि वो कामकाज क्या करता है, उसका घर बार कैसा है। ठीक है प्रजाई जी, मैं सब डिटेल्स निकाल कर बताती हूँ। थैंक यू कुलजीत, अगर तू जल्दी कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। सतीश भाई साहब कैसे हैं, उनका कामकाज कैसे चल रहा है? वो आस्तीन का सांप निकला, तू आस्तीन का सांप। कुलजीत मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बेटी की इज्जत पर तूने हाथ मारा? पुत्र की क्या कर रहा है? इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है पुत्र। बाबूजी इसकी मजाक तो देखो। चल चल, तेरे बाबूजी ने तुझे अपनी कसम दी है, तू जानदार। नहीं मम्मी जी, रास्ते में आस्तीन ले जाइए इसे। तू जानदार आप लोगों की गलत फहमी दूर ना कर दूं। हमारी गलत फहमियाँ दूर करने नहीं बल्कि उन्हें कायम रखने आया है तू। जैसे अब तक हमारे जज्बात को खिलौना बनाकर तू अपने घिनौने खेल खेलता रहा, वही खेल जारी रखने आया है तू। मेरी ममता का इतना घटिया मजाक उड़ाया तूने कि मैं तुझे। लेकिन आंटी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए, वो कल रात अनुजा मेरे साथ थी इसलिए मैं कई बातें आपको बता नहीं पाया। जो बातें तू उसके सामने नहीं बोल पाया वो मुझे नहीं सुननी, पर तू मेरी ये सौगंध सुनता जा कि मैं आइंदा अपने किसी भी जन्म में किसी पराई औलाद से माँ का रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। निकल यहाँ से, चला जा।
हाय रोहन, I'm so sorry मैं लेट हो गई। तुम मुझे लेने आए थे ना? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए तो हो रहा है। मैं जानती हूँ हमें फंक्शन पर जाने के लिए देर हो गई है, पर डोंट वरी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, ओके? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ओके, फाइन। अच्छा सुनो, हाँ? घर पर कह देना कि देर हो जाएगी तो तुम्हारे लौटने का इंतजार ना करें। ओके। पुत्र, दिन ढल गया है, तूने बत्ती भी नहीं जलाई। बाबूजी, बत्तियां जलाने से जो दुनिया रोशन होती है वो अंधेरे से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। देखिए ना, कितना सुनसान पड़ा ये मकान। जहां कल तक इतनी चहल पहल थी, देख जितना मर्जी रौला पालो, जो दलीलें देनी है दे लो, रब से जितनी मर्जी बहस कर लो, जाने वाले कभी नहीं आते पुत्र। जो पैसेंजर उतर गए उतर गए, और अपनी गड्डी तो आगे जाती रहनी है ना। बाबू जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां से आगे कहां और किधर जाऊं। अकेला तो मुझे जीना ही नहीं आता। पता होता कि यतीम होने वाला हूं तो सीख लेता ना। उधर मैं देखता हूं तू यतीम कैसे होता है। तुझे अकेले रहने कौन देगा? जिंदगी में तुझे इतने रिश्ते आ घेरेंगे, तू अकेलेपन को तरस जाएगा। की बात बताऊं, तेरे मां बाप ना मरे नहीं, वो अपना चेहरा बदल के तेरे बाबूजी के यहां आ बैठे। चल पुत्र, चल मेरे साथ चल। अगर तुझे पिता वाला प्यार ना मिले, मां वाला दुलार ना मिले, फिर शिकायत करना। हाथ जला बैठी। हाथ तो हम सभी जला बैठे थे। गनीमत है कि थोड़े से जले पर ही चौकन्ने हो गए। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, आओ। खामोशी तो बाबूजी किसी परेशानी का हल नहीं होती। हाँ पुत्र, पर कुछ समझ में आए ना तभी तो पम्मी के बारे में फैसला लें। मेरे हिसाब से हम कोई फैसला ना करें, या कम से कम पम्मी के लिए फैसला लेने के अधिकार को मैं त्याग रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तेजी, हमें ही फैसला लेना पड़ेगा ना। जिंदर जी, एक फैसला हमने भी लिया था जो सरासर गलत साबित हुआ। पर वो तो रोहन की वजह से। नहीं बीजी, जितना रोहन कसूरवार है उतने जिम्मेदार हम भी हैं। धोखा देने वाला तो धोखा देगा ही, धोखा खाना भी एक खामी है। और मैं मानती हूँ कि ये खामी है मुझ में, कि मैं रोहन की असलियत को पहचान न सकी। ये तो रब ने लाज रख ली, वरना मैं तो अपनी पम्मी को जहन्नम में झोंकने जा रही थी। तो जैसे पहले इतना बड़ा धोखा खाया, हो सकता है अगले फैसले में भी हम। तो जिस खामी की तू बात कर रही है ना, अगर वो खामी तुझ में है तो हम में भी तो है ना पुत्र। ये बात मैं अपनी जबान से नहीं कहना चाह रही थी बाबूजी, पर सच तो यही है। यानी हम में से किसी को पम्मी की शादी के बारे में फैसला करने का कोई हक नहीं है। हाँ जिंद, तेजी के कहने का मतलब यही है और ये बिल्कुल सही भी है। तो फिर फैसला लेगा कौन? पम्मी खुद।
हेलो हेलो बीजी, तेरी पहना, मैं रोहन बोल रहा हूँ। रोहन, जानता हूँ टेंशन चल रही है इसलिए घर पर नहीं आ रहा। पम्मी से कह दीजिए जल्दी आए, फंक्शन की देर हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ। देखने से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कितनी मोटी चर्बी चढ़ी हुई है। अभी थक्के मारकर तुझे सबने बाहर निकाला और फिर भी तू पम्मी का इंतजार कर रहे। बीजी, पम्मी ने खुद मुझसे बोला कि मैं इंतजार करूं, वो आ रही है। हाँ, क्योंकि उस बेचारी को तो मालूम भी नहीं कि तेरे साथ उसकी शादी कैंसिल हो चुकी है। खबरदार, जो तूने पम्मी से मिलने की कोशिश की तो। ये रोहन अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आएगा। मैं तो कहती हूँ जल्दी फैसला करो, पम्मी के पसंद के लड़के से उसकी शादी तय करके अनाउंस करो। कौन है वो लड़का, उसका नाम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। देव मलिक। मैंने उसे देखा था कभी। रोहन को तो बहुत अच्छी तरह देखा था ना, क्या हुआ? वैसे देव लड़का देखने में बुरा नहीं है। मजबूरी में सारे चेहरे अच्छे नजर आते हैं। पम्मी तब मजबूर नहीं थी जब उसे वो चेहरा पसंद आया था। वैसे देखना चाहिए, अगर देव से भी अच्छा लड़का मिले तो। देखना हमें नहीं, पम्मी को है। देव हो या उससे अच्छा लड़का हो, मेरे ख्याल से ये उसी को तय करने दो। पुत्र, मैं तेरी सारी बातें मानता हूँ, पर घर का बुजुर्ग होने के नाते मैं ये तो जानना चाहूंगा उसका खानदान कैसा है, उसका घर बार कैसा है। मैंने फोन करके कुलजीत की ड्यूटी लगाती है। सर, ये तो तूने अच्छा ही किया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।